नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया पहला साक्षात्कार। राम मंदिर से लेकर राफेल, विमुद्रीकरण से लेकर जीएसटी सहित तमाम मुद्दों पर व्यक्त की अपनी राय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, किसान कर्ज माफी के लिए किया गया है कमेटी का गठन। कहा, सरकार घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना में सरकार ने 3 मंत्री स्तरीय समितियों और एक अंतर विभागीय समिति का किया गठन। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक निर्माणाधीन भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का अगस्त तक होगा कार्यपूर्ण। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे किया गया दर्ज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ, और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में देश के सामने मौजूद तमाम मसलों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राम मंदिर निर्माण मामले का समाधान संविधान की मर्यादा में ही होगा। वहीं उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव जनता और महागठबंधन के बीच होगा। प्रधानमंत्री ने विमुद्रीकरण को देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि इससे देश में ईमानदारी का माहौल बना है। उन्होंने कर्ज माफी के लिए बजाय किसानों को सशक्त बनाए जाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राफेल विवाद पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्पष्ट कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक को प्रधानमंत्री ने बेहद जोखिम भरा फैसला बताते हुए कहा कि पाकिस्तान एक लड़ाई से नहीं सुधरेगा। 5 साल हो गए महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा, वैसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी भी उनके यहाँ से 2-2 स्वर निकलते हैं, भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं, और आखिरकार ये हो लोग हो गए हैं। ये खुद को बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ रहे हैं। तेलंगाना में गठबंधन का क्या हाल हुआ? बुरा हाल हुआ, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। वो गठबंधन का पहला प्रयोग था, पूरी तरह विफल गया। अभी जम्मू कश्मीर में गठबंधन के सब लोगों ने तय किया था चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जनता ने नकार दिया, 74% वोटिंग हो गया। अभी आसाम के अंदर ये सारा गठबंधन एक बाजू था, भारतीय जनता पार्टी एक बाजू थी। पंचायतों के चुनाव में गठबंधन का हाल बुरा हो गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अभी त्रिपुरा के अंदर यही गठबंधन के लोग वहाँ मैदान में थे, खुला कोशिश कर रहे थे, 80-90% भारतीय जनता पार्टी जीत गई, गठबंधन का हाल बुरा। 2 बार हमको डेट बदलनी पड़ी। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा रिस्क था। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या हुआ भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है। पढ़ना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं पहली टुकड़ी है, दूसरी टुकड़ी है, ऐसा है वगैरह। वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सूर्योदय कि अब वापिस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल कर के रख दी। इतना कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए, उनको पूछे कि ठहरिए भाई, आप बताइए, सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए। ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए, कीचड़ उछाल करके भाग मत जाइए। एक तो सवाल पूछिए उनको, कहीं तो दे कि भाई हाँ, यहाँ का लिंक यहाँ, यहाँ का लिंक यहाँ है। ये तो दे नहीं पा रहे, बोलते चले जा रहे हैं जी। अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए।
बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है और सरकार को चुनाव और कर्ज माफी, चुनाव और कर्ज माफी का सरकार चलाना चढ़ता है। तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। हम सॉइल हेड कर दिया, किसान की लागत कम हुई, जो फालतू दवाई डालता था, फालतू फर्टिलाइजर डालता था, उसको लगा भी जरूरत, जो उसकी फसल के लिए ज़मीन ठीक नहीं थी लेकिन पड़ोसी करता है वो करता है, सॉइल हेल्थ के कारण उसको समझ आने लगी है। जो किसान को मरना पड़ रहा है वो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो उसे बाहर है, और इसलिए ये सिर्फ चुनावी स्टंट किए जा रहे हैं। फिर भी अगर राज्य सरकारें करती हैं तो हम उनको रोकते नहीं हैं, हमने किसी राज्य सरकार को नहीं रोका है। आखिर भागना क्यों पड़ा? अगर पहले जैसी सरकार होती, यही दोस्ताना चलता, लूटना है लूटते चले, देना है देता चले, खाना है खाता चले, तो फिर उनको भागना भी नहीं पड़ता। इन लोगों को भागना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर उनको कानून नियमों का पालन करना पड़ेगा, पाई पाई चुकता करनी पड़ेगी, और इसलिए भागे हैं। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों के कर्ज माफी की घोषणा हो चुकी है और कर्ज माफी किस प्रकार से की जाए इसके लिए कमेटी का गठन भी किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की घोषणा के अनुसार प्रदेश कांग्रेस सरकार ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पहली कैबिनेट बैठक में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर दी थी। हम दिल्ली के बाहर कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग रखेंगे, बिल्कुल उसकी शुरुआत अब राजस्थान से करें, ये मैंने कहा था, और राहुल जी के द्वारा बन भी रहा है। राजस्थान में किसानों का जो उत्साह है, कर्जा माफ़ी जो हुई है, जिस रूप में राहुल जी ने कहा था कि सरकार बनते ही 10 दिन में हमारी सरकारें कर्जा माफ़ करेगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ने कर्ज माफ़ करने की घोषणा कर दी है, लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह कमेटी भी आज डिक्लेयर हो जाएगी, जो मैंने कहा था कि वो देखेंगे किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो, वो कमेटी आज बन रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना में राज्य सरकार ने 3 मंत्री स्तरीय समितियों और एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया। मंत्री स्तरीय समितियों में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को संयोजक बनाया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में स्टाफ की बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू कर दी गई है। डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि इससे सभी चिकित्सालयों में निर्धारित समय पर आउटडोर और इंडोर में आने वाले मरीजों को बेहतर और आवश्यक उपचार सेवाएं मिल सकेगी। विशिष्ट शासन सचिव और मिशन निदेशक NHM डॉक्टर समित शर्मा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से नए साल में सेवा की भावना का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश में सर्दी के चलते मौसमी बीमारियों में मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। इन दिनों खासकर स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में कल 12 मरीजों में स्वाइन फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। जोधपुर में 6, जयपुर और उदयपुर में 2-2 मरीज सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग ने एहतियात के तौर पर इसके नियंत्रण के कारगर कदम उठाए हैं। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कल चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक निर्माणाधीन भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का निरीक्षण किया। मंत्री धारीवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेट्रो कॉरिडोर निर्माण कार्यों में तेजी लाए, जिससे आमजन को इस परियोजना का लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि अगस्त तक भूमिगत मेट्रो का कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
स्वस्थ बालिका स्वस्थ भारत का संदेश लेकर निकली स्वस्थ भारत यात्रा आज जयपुर पहुंची। साइकिल दल के साथ युवाओं ने स्वस्थ भारत का संदेश दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने के अवसर पर गांधी स्मृति और दर्शन समिति के मार्गदर्शन में ये यात्रा 16 अक्टूबर से शुरू की गई। जन स्वास्थ्य निदेशक बीके माथुर ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है। खान पान में संयम बरतें और अच्छा स्वस्थ तरह का खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें। ये यात्रा 6 शहरों से प्रारंभ हुई है, अलग अलग शहरों से। इसके 6 रूट्स हैं, उसमें काफ़ी अच्छा हमें जन सहयोग मिल रहा है और काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं उसमें। जयपुर महापौर मनोज भारद्वाज ने कहा कि जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्च स्थान दिलाने में सभी जयपुर वासियों का योगदान अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि 4 से 31 जनवरी तक स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का आयोजन होगा। इस दौरान सफाई व्यवस्था के आधार पर जयपुर का स्थान निर्धारित होगा। जो पूरे देश के 4,200 शहरों का एक स्वच्छता सर्वेक्षण होने जा रहा है, पिछली बार एक टीम जयपुर के रूप में आपने हमने मिलकर काम किया, तो उसके परिणाम देखे हमने कि इसके परिणाम इतने अच्छे थे कि हमने बहुत ऊंची छलांग लगाए थे। जयपुर में देश में एक सम्मानजनक स्थान हमने हासिल किया। अब वही समय दोबारा है, हम सबको मिलकर के एक टीम जयपुर के रूप में काम करना है। 2019 के 5,000 अंक निर्धारित है। इन 5,000 अंकों के 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट SLP जो भी सर्विसेज कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन नगर निगम गार्बेज को लेकर दे रहा है उसके हैं। 1,250 नंबर जो हैं वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के हैं, टीम वहां से आके जयपुर को व्यू करेगी, फील्ड विजिट करेगी उसके हैं। और 1,250 नंबर सिटीजन फीडबैक के हैं, वो कॉल सेंटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या किसी और माध्यम से बाउंड कॉल से वो कॉल करके पूछेंगे क्वेश्चंस की, सिटीजन जो आंसर देंगे उनके आधार पे 1,250 नंबर है। और बचे हुए 1,250 नंबर जो सर्टिफिकेशन है स्टार रेटिंग और ODF के, उन दोनों के मिला के 1,250 नंबर है। इस तरह से ये 5,000 नंबर का 4 जनवरी से 31 जनवरी। गृह मंत्रालय, भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आज 11वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी स्थानों पर रहने वाले बालक बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र राजस्थान के जिला समन्वयक सुरेश शर्मा ने बताया कि 7 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयोजनों के माध्यम से आदिवासी बालक बालिकाओं को उनके अधिकारों और देश हित के के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। बच्चे हैं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम गृह मंत्रालय वर्षों से लगातार कर रहा है और ये 11th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम में 220 जो हमारे पास प्रतिभागी आए हैं उनमें 20 एस्कॉर्ट्स हैं जो ITBP BSF और CRPF के ऑफिसर्स हैं और बाकी के आदिवासी बच्चे हैं जिनको उन्होंने वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पर भेजा है। प्रदेश में नए साल में भी सर्दी से राहत नहीं मिल पाई है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं जयपुर जिला प्रशासन के आदेश के बाद सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सुबह 10 बजे बाद ही खुलेंगे। और अब मुख्य खबरें एक बार फिर से। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया पहला साक्षात्कार। राम मंदिर से लेकर राफेल, विमुद्रीकरण से लेकर GST सहित तमाम मुद्दों पर व्यक्त की अपनी राय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा किसान कर्ज माफी के लिए किया गया कमेटी का गठन। कहा सरकार घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना में सरकार ने 3 मंत्री स्तरीय समितियों और एक अंतर विभागीय समिति का किया गठन।
जानपुल से बड़ी चौपड़ तक निर्माणाधीन भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर का अगस्त तक होगा कार्यपूर्ण। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे किया गया दर्ज। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, नमस्कार।